डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास में जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक में कौन कौन से चैप्टर ऐड किए गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए अगर बच्चे स्टडी करने से पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ कि जो सिलेबस एनसीईआरटी ने जो सिलेबस जारी किया है, एनसीईआरटी ने जो सिलेबस जारी किया है वो आरबीएससी और सीबीएसई, तो दोनों के लिए आरबीएससी राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों के लिए जो सिलेबस है सेम रहेगा। दोनों के लिए 1 to 15 चैप्टर आरबीएससी के लिए रहेंगे और 1 to 15 ही किसके लिए रहेगा, सीबीएसई। तो दोनों का जो सिलेबस है, दोनों का सिलेबस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। कौन सी पद्धति, संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है जो चेंज नहीं हुआ है रियल स्टूडेंट्स। सेकंड जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर कौन सा है, पॉलिनोमियल्स, वो भी चेंज नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बच्चों न्यू चैप्टर है, ऐड कर दिया गया आपका आपके सिलेबस में। ये चैप्टर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो 10th क्लास में है। फोर्थ है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, चेंज नहीं है, वही चैप्टर है जो लास्ट ईयर था। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण, कितने चर के, दो चरों के रैखिक समीकरण। फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, कौन सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, परिचय किसका, यूक्लिड ज्यामिति का, यूक्लिड ज्यामिति का। यह चैप्टर भी क्या है, न्यू चैप्टर। एक तो थर्ड न्यू चैप्टर ऐड किया गया है, एक चैप्टर नंबर फिफ्थ ऐड किया गया है, ये भी क्या है, नया चैप्टर है। अब चैप्टर नंबर सिक्स है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, चेंज नहीं हुआ है। ये सेवन चैप्टर है ट्राइंगल, त्रिभुज, ये भी वही चैप्टर है लास्ट ईयर था। एट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, नो चेंज, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। चैप्टर नंबर है नाइन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी चेंज नहीं हुआ। हाँ चैप्टर नंबर 10, बच्चों चैप्टर नंबर 10 आपका न्यू है, ऐड किया हुआ है, नया चैप्टर ऐड किया आपके सिलेबस में। चैप्टर नंबर 10 कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 3, 5, 10। नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, जैसे कि आपने एट क्लास में स्टडी की है वही कंस्ट्रक्शन नाइन्थ क्लास में है, चेंज नहीं है। ट्वेल्थ है चैप्टर है हीरो फॉर्मूला, बच्चों ये कुछ चेंजिंग है, कैसे, पहले अपने जो ट्राइंगल का एरिया था इसी में इंक्लूड था आपका ये फॉर्मूला, बट अब की बार इसमें से हटाकर एक चैप्टर को ही बना दिया गया है हीरो फॉर्मूले के बेस पर, ठीक है, लेकिन पहले भी था अभी भी। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल, किस किस का, घन घनाभ और बेलन, किसका एरिया ज्ञात करना, एक तो घन घनाभ और बेलन का वॉल्यूम और आयतन, ये भी चेंज नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 14 क्या है, स्टैटिक्स सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या होता है, माध्य माध्यिका मीन मीडियन मोड ईटीसी, ये भी चेंज नहीं हुआ। हाँ चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 15 सॉरी, चैप्टर नंबर 15 ये चेंज है आपका, प्रोबेबिलिटी प्राइम का। बच्चों तो आपके चैप्टर कौन कौन से चेंज हुए हैं, नए ऐड किए गए हैं, एक तो थर्ड, एक फिफ्थ, एक नाइन्थ और एक चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर आपके नए चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं।